क्या भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में कुछ ऑल्ट कॉइंस के अपडेट है जिसको मैं कवर करना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इथेरियम। सो काफ़ी कुछ है, मैटिक है, डोज है एंड थीटा कॉइन है। सो लेट्स स्टार्ट विद इथेरियम फर्स्ट। सो इथेरियम 4000 के आसपास आज ट्रेड हो रहा था एंड यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। बट एक गुड न्यूज़ है जो इथेरियम के लिए, विच इज़ दिस, द टॉप एसेट्स बाई मार्केट कैप। आपको पता है कि ये ऐसा साइट है जहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं दुनिया में, चाहे वो गोल्ड हो, जो हो एप्पल हो, ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जितने भी एसेट्स हैं सबका यहाँ पे लिस्टिंग है, ओके। तो काफ़ी जो रिच लोग हैं, ऑफकोर्स उनके पास गोल्ड है, काफ़ी बड़े बड़े लोग का इन्वेस्टमेंट एप्पल कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में। हमारा जो मिडिल मैन है उनका तो इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज में भाई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, स्पेशली इंडिया में, राइट। हम लोगों को कहाँ ये सब, एटलीस्ट चलो गोल्ड किसी के पास होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, राइट। बट येस, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन नंबर 8 पे। बट उसके साथ साथ लुक एट दिस 19 पे आ गया इथेरियम, ओके, 19 पे आ गया इथेरियम। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है क्रिप्टो एसेट्स के लिए कि यू नो ग्लोबल रैंकिंग में एज एन एसेट काउंट होने लगा है। और ऑफ कोर्स आपको पता है ये जो नंबर 19 है, 18, 17, 16, 14, 13 ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। इनफैक्ट इथेरियम ने अभी अभी किसको रिप्लेस किया है पता है? ऑलमोस्ट जेपी मॉर्गन को रिप्लेस कर दिया था मॉर्निंग में, ठीक है। तो जेपी मॉर्गन चेस को रिप्लेस करने जा रहा है इथेरियम। इट्स अ बिग थिंग, गाइस। जेपी मॉर्गन इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक एंड इथेरियम बोलता है लेट्स गो बैंकलेस, राइट। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर ये थोड़ा सा मार्केट कैप आगे पीछे है, बट आई एम श्योर ये जेपी मॉर्गन को बीट कर रहा है। बहुत जल्दी वीज़ा को भी बीट करेगा यहाँ पे। वीज़ा यहाँ पे 16 पे है, ठीक है। तो यस, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। मास्टर कार्ड को ऑलरेडी बीट कर चुका है, बैंक ऑफ अमेरिका को ऑलरेडी बीट कर चुका है इथेरियम। देख रहे हो कितनी तेज़ी से क्रिप्टो इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसीलिए मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी हैं अगेन, क्योंकि काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि एम आई लेट, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ये हो गया, इथेरियम का प्राइस हो गया, मैटिक का प्राइस हो गया। नो, यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है क्रिप्टो स्पेस। जो दूसरा चीज़ गुड न्यूज़ हो सकती है इथेरियम के लिए, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, वो ये कि वैनक करके एक इन्वेस्टमेंट फर्म है US में, और इन्होंने वैनक फाइल्स फॉर इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सो बेसिकली ETF ट्रेड करना चाहते हैं इथेरियम का, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, और उन्होंने SEC के साथ एप्लीकेशन फाइल किया। SEC जो वहाँ पे अथॉरिटी है, ये लोग अप्रूव करते हैं ETF या डिसअप्रूव करते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई थिंक कि अप्रूव भी हो सकता है, बिकॉज आपको पता है न्यू SEC चेयरमैन जो है वो ये है गैरी जेंसलर। एंड आपको पता होगा जो SEC चेयरमैन है गैरी गेंसलर, ये ऑलरेडी बिटकॉइन और क्रिप्टो के फ़ैन है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कैसे अगर MIT पे जाओगे, ओके, MIT पे इन्होंने लेक्चर दिया है बिटकॉइन क्रिप्टो के ऊपर, लेक्चर दिया है क्रिप्टो होती क्या है। तो ये ऑलरेडी बहुत बुलिश हैं बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके। तो आई थिंक यू नो इथेरियम का भी ETF आ सकता है और मे बी बिटकॉइन का भी ETF आ सकता है, क्योंकि अभी भी इन्होंने रिसेंटली ये लोग ये CNBC पे थे और इन्होंने बोला था कि आई डोंट थिंक देर इज़ दैट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फॉर बिटकॉइन इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट। सो बेसिकली ही वॉन्ट्स टू ड्रॉ मोर पॉलिसीज ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिले। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे ही SEC एक बार यू नो ऐसी पॉलिसीज ड्रॉ कर लेगी, आई होपफुली वो सब पॉलिसीज इंडिया भी डुप्लीकेट करेगी या फिर कॉपी करेगी। दूसरी चीज़, डोज कॉइन। काफ़ी लोगों को लगता है कि यू नो SNL जो एलन मस्क का शो था वो ख़त्म हो गया, सो इट्स ओवर। हालांकि यहाँ पे ऑब्सोल्युटली ड्रॉप हुआ है, 70 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा था, आज 50 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा था। आई होप आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा टाइम पे। बट अगर लेट्स से अगर अभी भी आप होल्डल कर रहे हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। यू नो मुझे भी लगा था कि जस्ट अबाउट अ शो एंड नथिंग एल्स एंड एलन मस्क जस्ट जोक करते रहते, बट दैट्स नॉट ट्रू गाइस। लुक एट दिस, एलन मस्क SpaceX इज एक्सेप्टिंग डोज कॉइन टू लॉन्च अ सैटेलाइट नेम्ड Doge 1 टू द मून। सो एक नई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है नेक्स्ट ईयर, जिसका नाम इन्होंने Doge 1 रख दिया। नॉट ओनली दैट, इन्होंने उसके लिए जो पेमेंट है इन्होंने डोज में एक्सेप्ट किया है, ओके। सो लुक एट दिस, नाउ एक्सेप्टिंग न्यू करेंसी डोज कॉइन टू लॉन्च इन अपकमिंग। सो यस, एंड इन्होंने ट्वीट भी किया था, लुक एट दिस, SpaceX लॉन्चिंग सैटेलाइट Doge 1 टू द मून नेक्स्ट ईयर, मिशन पेड इन
paid in Dogecoin. So crypto, first crypto in space and first meme in space to the moon. So right, I'm quite surprised, honestly. I always thought ki, you know, it's a joke, Dogecoin is a joke and I keep joking, but mujhe honestly nahi laga tha ki itna dur tak chale jayenge joke karte karte ki satellite ka naam Doge rakh denge aur payment bhi Dogecoin mein, you know, jo payment hogi wo bhi Dogecoin mein, aur you know, somebody is accepting also payment in Dogecoin. I'm not sure how far is it true, but he's tweeted about it and everyone is reporting, sare media houses report kar rahe hain, so maybe it is true. So it's not over. The other Dogecoin jo maine aapko bataya tha, Shiba Inu, right? Shiba Inu. Now guys, yesterday maine aapko bataya tha ki Binance aur FTX ne list kiya hai, and of course crypto.com ne bhi list kar diya hai. Yahan pe aap dekh sakte ho new listing SHIB. Now this is very surprising because almost sare exchanges ne यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, चाहे Binance हो, FTX हो, crypto.com हो, आई थिंक वो भी ने भी लिस्ट किया है. तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि शिबा इनू को इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ओके, वो भी इतनी अर्ली स्टेज पे, ओके, इतनी अर्ली स्टेज पे. एंड हालांकि मैंने कल वीडियो बनाया था और आई डोंट नो ज़्यादा कुछ पंप हुआ है, कुछ 8.6% पंप हुआ है, बट मुझे लगता है, यू नो, काफ़ी मैं कमेंट देख रहा था कल और काफ़ी लोग ने शिबा इनू को बहुत पहले बाय किया था, मे बी एक महीने पहले, दो महीने पहले. मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपको इस टाइम पे थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके पास ऑलरेडी पहले बुक किया था आपने, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जिट हो जाओ, बट आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिसके पास पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि इतना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है और ये आई थिंक ड्रॉप भी हो सकता है. यू नो, नोबडी नोज द मार्केट. यू नो, एक सही तरीका ये है कि अगर आपको सच्ची में प्रॉफिट बुक करना है तो जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट अप हो रहा है तो हर एक प्राइस पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए. डोंट एग्जिट 100%, बट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो. उसके साथ साथ crypto.com ने इसको, इन्होंने ट्वीट किया है, वॉट शुड वी एड टू अर्न. सो आपको पता है इनके पास एक अर्न करके फीचर है जहाँ पे कॉइन आप स्टेक कर सकते हो और स्टेक करने के बाद आपको वहाँ पे, यू नो, उसमें रिवॉर्ड कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो. तो इन्होंने बेसिकली ट्वीट किया है कि क्या, यू नो, विच टोकन शुड वी अर्न, शुड वी एड टू अर्न फीचर, ताकि लोग स्टेक कर सकें, डोज करें या फिर यू नो शिप करें. सो ये दे हैव अ प्लान टू एड इट ऑन द अर्न. नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इज थेटा. नाउ थेटा इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टुडे. यू नो, इसके पीछे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया और जहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब होने वाली है और उसमें एक है वीडियो इंडस्ट्री. वीडियो इंडस्ट्री फिलहाल यूट्यूब, अगर वीडियो की बात होती है तो यूट्यूब का नंबर वन पे नाम आता है, बट ये बहुत जल्दी चेंज होने लगा कि थेटा, यू नो, जितने भी डिसेंट्रलाइज वीडियो प्लेटफॉर्म हैं बहुत सारे हैं, बट थेटा इज़ कमिंग आउट टू बी नंबर वन. ओके, मुझे लगता है कुछ सालों में मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्किंग प्रोजेक्ट है. इनफैक्ट थेटा पे आप साइन अप करोगे तो आप ऑलरेडी बहुत सारे जो गेमर्स हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हो. नाउ थेटा का जो मेन इवेंट है वो है, एक इवेंट होने वाला है जो थेटा मेन नेट 3.0, जो 50 डेज में होने वाला है, और इनकी जो प्राइस है थेटा टोकन की ऑलरेडी यहाँ पे $10 पे ट्रेड हो रही है, जो अच्छा खासा 7000% ग्रोथ हुआ है. बट मुझे लगता है कि ये इवेंट के पहले और भी यहाँ पे प्राइस में, यू नो, उछाल आ सकता है. एंड नॉट ओनली दैट, आई मीन, इन लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. मेरे पास है कुछ थेटा, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैं इस पर काफ़ी बुलिश हूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, दूसरा, पॉलीगॉन बहुत ही अच्छा कर रहा है. पॉलीगॉन मैटिक, आपको मालूम है ये जो टीम है, इंडियन टीम है, एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी कि एक इंडियन प्रोजेक्ट टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 में एक इंडियन प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉइन मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रहा है. कितने पे? टॉप 33 पे है, राइट, पॉलीगॉन. एंड बहुत जल्दी ही ये $1 टच करने वाला है, लेट्स सी. एंड आई थिंक कुछ एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी $1 पे ट्रेड हो रहा था. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 99 या $1 के आसपास. बट एनीवे, मैटिक, द रीज़न एक बार आपको बता दूँ क्यों मैटिक पंप हो रहा है, बिकॉज जितने भी इथेरियम के डैप्स बने हैं सब पे ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है. तो बहुत सारे जो ऐप डैप्स हैं वो अब मैटिक को, यू नो, मैटिक पे डिप्लॉय कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल आवे जैसा हो गया, और डिसेंट्रलैंड जैसे हो गए, और ओपन ओशन जैसे हो गए, NFT प्लेटफॉर्म. सो सारे NFT, सारे ये सब प्लेटफॉर्म जो हैं मैटिक पे डिप्लॉय कर रहे हैं. उसकी वजह से मैटिक का जो यूज़ केस है, जो नेटवर्क का यूज़ केस है, ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं, क्योंकि सस्ता होता है
और भी जो इथेरियम के डैप्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी सोच रहे हैं मैटिक पे डिप्लॉय करने के लिए। तो मैटिक के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। तो आपको पता है कि मैटिक ने रीब्रांडिंग किया है, जहाँ पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को पॉलीगॉन बोलते हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन नेटवर्क, पर टोकन का नाम अभी भी मैटिक ही है। सो कीप दैट इन माइंड, मैटिक इथेरियम्स इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन। सो वेरी गुड टू सी एक इंडियन प्रोजेक्ट ग्लोबल नंबर पे, तो वेरी गुड प्रोजेक्ट राइट। लेट मी नो इफ यू आर होल्डिंग। जो दूसरा इंडिया की बात कर ही रहे हैं, आई एम नॉट श्योर आप लोगों कितने लोगों को पता है ये वाला न्यूज, यू नो सहवाग ने ट्वीट किया था कि क्या ट्वीट किया था यहाँ पे, ये देखो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये ट्वीट किया है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सोना है, बैंक बैलेंस है, शी वो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या। सो बेसिकली डाउनलोड कॉइन DCX ऐप। सो आपको पता है कॉइन DCX जो इंडियन एक्सचेंज है, मे बी इनका पार्टनरशिप हुआ होगा वीरेंद्र सहवाग के साथ राइट, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बताया। बट आई डू थिंक, मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं ऑलरेडी बिटकॉइन के होल्डर है गाइस, यू नो आई डोंट थिंक ये लोग ऐसी पार्टनरशिप करेंगे या ट्वीट करेंगे अनलेस एंड अंटिल ये लोग समझ रहे हैं कि क्या है ये राइट। एंड इसका एग्जांपल रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो ब्रेटली, यू नो, सो आई डू थिंक कि नॉट जस्ट सहवाग बट इवन अदर जो प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के राइट, उन्हें वो भी बिटकॉइन के होल्डर हैं, क्रिप्टो के होल्डर हैं। एंड आपने रिसेंटली एग्जांपल देखा होगा ब्रेटली ने एक डोनेशन किया था, 1 bitcoin डोनेशन किया था क्रिप्टो रिलीफ में, और काफ़ी लोग को सरप्राइज हो गया कि अरे ब्रेटली ने बिटकॉइन डोनेट किया, ब्रेटली इज़ ए बिटकॉइन होल्डर। सो आई डू थिंक कि बहुत लोग बिटकॉइन होल्डर हैं, नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट इवन इन बॉलीवुड, बट वो लोग बोलना नहीं चाहते फिलहाल बिकॉज इंडिया में उतनी रेगुलेशंस उतनी क्लियर नहीं है। सो एनीवे दिस इज़ द न्यूज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।